नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने टेक्नोलॉजी तो समझ ली, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, VST क्या चीज़ है, कहाँ से क्या ये आते हैं, सब ये प्लगइन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये कोई टॉक्सिक है, ये भी खोल के देख लिया हमने, हार्मर भी खोल के देख लिया, इसमें कोई साउंड्स वगैरह प्ले होती हैं, हम मिक्सर में जाते हैं, यहाँ रिवर्ब लग गया, डीले लग गई, बहुत कुछ लग गया। लेकिन टेक्नोलॉजी सारी मुझे समझ आ गई है, लेकिन म्यूज़िक तो अभी भी नहीं बन रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली दिक्कत आ रही होगी कि वर्क फ्लो क्या होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि 30 लेक्चर्स के अंदर मुझे पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स कवर करना है, जिसके अंदर मिक्सिंग, मास्टरिंग, अरेंजिंग, साउंड डिजाइन, ये वो फलाना सब कुछ बताना है। तो डेफिनेटली मैं 6-7 लेक्चर वर्क फ्लो के ऊपर तो नहीं दे सकता, नहीं तो बाकी सारे टॉपिक छूट जाएंगे। तो उसका बेस्ट इलाज मैंने क्या ढूंढा है, आइए देखते हैं। इंटरनेट पर जाएंगे, youtube.com/devmusic, आप ये चैनल खोलेंगे, यहां पर ये गाना है बेबी स्टेप, इसे सुनते हैं। चलिए व्हाटएवर। अब आपने क्या करना है, जब ये लिंक खोलेंगे, यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर पे करेंगे क्लिक। अगर आप MP3 डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, यहां जाएंगे तो डाउनलोड फ्री FLP, इस पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने फाइल बनाई है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में वो खुल जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा गाना किस तरह से बनाया है। ये आपके लिए ही मैंने बनाई है, दिस इज अ फ्री FLP, यू कैन डाउनलोड। 12.5.1 में ये बना है, अगर आपका वर्जन पुराना होगा 12.3 12.4 तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत दे, लेकिन नेक्स्ट ओके वगैरह करके वो थोड़ा बहुत खुल जाता है। लेकिन अगर आपके पास FL Studio 12.5.1 है तो ये बहुत इजीली खुल जाएगी। अब ये तो हो गया, वापस हम यहां आते हैं और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि वर्क फ्लो क्या है। ये FLP ये वही वाली है जो आप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने एग्जैक्टली इस तरह से खुल जाएगी, आप इसे खोल खोल के देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या साउंड्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं, यहाँ पर क्या क्या साउंड्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये स्टॉक प्लगइन्स और स्टॉक सैंपल से ही बना है, इसके अंदर जो भी सैंपल यूज़ हुए हैं, जो भी प्लगइन यूज़ हुए हैं, जो भी इफेक्ट यूज़ हुए हैं, जो भी जनरेटर्स वगैरह जितने भी यूज़ हुए हैं, सब कुछ FL Studio के अंदर स्टॉक ऑलरेडी होते हैं, मैंने कोई भी एक्सटर्नल VST यूज़ नहीं किया है। अब वर्क फ्लो, सर मुझे टेक्नोलॉजी सारी समझ आ गई है लेकिन मेरे मन में फील नहीं आती, मेरे मन में मेलोडी नहीं आती, मुझे पता नहीं लगता कि गाना शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या सोचा, मैंने एक बच्चे की आवाज़ फ़ोन पर रिकॉर्ड की, आइए सुनते हैं। ठीक है, अब बच्चे की मर्जी है कौन से सुर पे क्या बोल रहा है। ये लेने के बाद जब मैंने रिकॉर्ड की, उसके बाद मैंने सोचा अब मैंने स्क्रैच से एकदम इस बच्चे की आवाज से ही म्यूजिक बनाना शुरू करूंगा। तो यहां सुनते हैं, मैंने ये वही आवाज है, एक नंबर के चैनल में हम यहां जाते हैं, उसके ऊपर थोड़े बहुत मैंने इफेक्ट्स लगा दिए हैं, पिचर पैरामेट्रिक EQ लगा हुआ है, कोरस कुछ नहीं है, थोड़ा डबलर हो जाता है, रिवर्ब लगा दी, थोड़ी सी डिले लगी हुई है, और उसका क्या बना, पहले मैं बंद करता हूं, सुनते हैं, ये वही आवाज है, ठीक है, एक नंबर में गए, इसका क्या बन गया, नीचे लगाइए एक बेस, एक और चीज लगाई, आप यहां देख रहे हैं किस तरह से मैंने काट काट के उसकी आवाज अरेंज की है, एक एक चीज को बीट के ऊपर बिठाया है। अब ये मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करने वाला हूं, आवाज सुनता रहा, बच्चे का स्केल देखता रहा, उस हिसाब से जो जो मुझे फील आती रही मैं बनाता रहा। अब ये फील किस तरह से आएगी, मैं सबको बोलता हूं अपनी लिसनिंग बढ़ाइए। अगर आप गुजरात में रहते हैं आप सिर्फ गुजराती सॉन्ग सुन रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं सिर्फ पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। हर तरह का म्यूजिक,
हर तरह का म्यूजिक। पीछे कोई बाइक वगैरह निकली है तो मैं रुक गया था, हो सकता है वो मेरी आवाज़ को कम कर देता। तो हर तरह का म्यूज़िक आपने सुनना है, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो इंग्लिश म्यूज़िक हो, चाहे साउथ इंडियन साइड का हो, चाहे नॉर्थ इंडियन साइड का हो, चाहे कोरियन हो, चाहे जैपनीज हो, हर तरह का म्यूज़िक यूट्यूब एकदम आपने ख़त्म कर देना है, जस्ट स्वेलो इट। तभी आपकी जितनी ज़्यादा लिसनिंग बढ़ेगी उतनी ही आपका फोकस म्यूज़िक प्रोडक्शन पर बढ़ेगा, क्योंकि आपका विजन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। देखते हैं मैंने रेंज करके यहाँ क्या बनाया। ठीक है, यहाँ क्लैप लगी हुई है, यहाँ स्नेर हो गए, ये क्या है, ठीक है, ओके, देखिए कितनी अच्छी किक है, ऑलरेडी एफएल स्टूडियो के अंदर की ही है। अब यहाँ पर मैंने पैटर्न नंबर 6 में क्या प्ले किया, सिंपल, आप भी यही करते हैं, ना 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 ना, अब आप देखते हैं, करता तो मैं भी घर पे ये हूं, लेकिन गाना अच्छा क्यों नहीं बनता। विजन, मैंने इसके साथ क्या क्या किया, कहां पर मैंने अरेंज किया, कहां वो जच रहा है, साथ मैंने थोड़ी मॉड्यूलेशन वगैरह उसकी लगाई, मॉड्यूलेशन उसके यहां की आप देख भी सकते हैं जब आप FLP डाउनलोड कर लेंगे, ये XYZ, इस पर मैंने लगाई है मॉड्यूलेशन, फिर लगाई मैंने पैनिंग लेफ्ट राइट, और मैंने साथ लगाया फ्रूटी फिल्टर, ठीक। यहां आ गया मेरा अपलिफ्टर राइजर, सिंपल टॉक्सिक रखा, स्लाइड वाला नोट रखा, राइजर बना दिया, लेकिन ये गेट इफेक्ट कैसे आ रहा है, टॉटा 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 टॉटा, 6 नंबर पे डाला है, वहां पर है ग्रॉस बीट, इसकी हम आगे भी बात करने वाले हैं एक लेक्चर के अंदर, ये एग्जैक्ट क्या चीज करता है। वैसे अब तक आप ऑलरेडी से ट्राई कर चुके होंगे, ग्रॉस बीट का ही दूसरा ऑल्टरनेटिव क्यूबेस के अंदर होता है चॉपर, हर डॉ में अपना अपना होता है, ये गेटिंग इफेक्ट के लिए है, 1/4 इसने बस काट दी। अगर मैं सिंपल एम्प्टी रखता, सिंपल जा रहा है, मैंने गेट कर दिया 1/4 बीट के हिसाब से, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक। अगर मैं 1/2 करता, हिट एंड ट्रायल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। राइजर के बाद देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, नीचे वो ये व्हाइट नॉइज वाला जो मैंने आपको बताया था अपलिफ्टर वाले लेक्चर में, वो भाई लगा रखा है साथ। नेक्स्ट लेवल, अब ये इतना कुछ यहां पर क्या हो गया, ये देखते हैं। ये है मेरा सिट्रस, और ये जो प्रीसेट है ये सिट्रस का अंदर का नहीं है, ये मैंने डिज़ाइन किया है। जब हम साउंड डिज़ाइन की बात करेंगे सिट्रस के अंदर, मैंने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद मैं मॉड्यूलेशन पे गया, मैं उसकी एक्स और वाई छेड़ूंगा किस तरह से, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बहुत लो साइड जाकर ये बनाया, ठीक। उसके बाद उस पर क्या क्या लग रहा है, एक्स की मॉड्यूलेशन, वाई की मॉड्यूलेशन, तो ग्वैक और ड्रैक, ये साउंड जो हम बहुत डबस्टेप में सुनते हैं ये मॉड्यूलेशन से हुई है, एक्स 0 से ऊपर जा रही है वैक करती हुई। फिर मैंने एक और दूसरा सिट्रस लिया पैटर्न 9 में, ये ऑफ करता हूं, सिंपल,
तो मैंने उसके नीचे भी मॉड्यूलेशन वगैरह लगा दी, और एक पैटर्न 10 में भी कुछ साथ मेरी चल रही है स्नेयर और मेरी चल रही है किक, सिंपल। यहां मैंने अंदर का ही एक स्नेयर लिया, किधर गया, और वही उसको ये कर दिया, तो ड्रॉप से पहले अच्छा लगता है। सिंपल मेरी हैट। गाना खत्म, सिंपल। मैं यहां पर आपको सिर्फ यह बताना चाहता था, इस फाइल का नाम भी अगर आप देखें, मेक म्यूजिक फ्रॉम एनीथिंग, आप किसी भी चीज से, कहीं से भी, स्क्रैच से शुरू हो सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं। दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहली चीज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकेंगे उतनी आपके लिए अच्छी है। दूसरी चीज लिसनिंग, मैं फिर बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं हर स्टूडेंट को बताता हूं, पंजाब में हूं तो पंजाबी म्यूजिक सुनूंगा, बंगाल में हूं तो बंगाली म्यूजिक सुनूंगा, ऐसे चलने वाली जिंदगी नहीं है। हर तरह का म्यूजिक सुनेंगे तभी आपका दिमाग खुलेगा। तो ये FLP, आप यहां जाएंगे youtube.com/devmusic और मेरे चैनल पर जाएंगे, यहां पर आप इसे गाने को सुन भी सकते हैं, अपने रिव्यू भी दे सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाटएवर, और यहां जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। FLP ये पूरी की पूरी आपके खुल जाएगी, जिप फाइल होगी, उसका पासवर्ड होगा देव नेक्स्ट लेवल। जब आप उसे डाउनलोड करके खोलेंगे या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली वो पासवर्ड पूछेगा, सिंपल, देव नेक्स्ट लेवल उसका पासवर्ड होगा। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्प आपको करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्कफ्लो के ऊपर नहीं बना सकता लेक्चर्स, क्योंकि मुझे बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं, इसलिए आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई सवाल हो मन में, तो facebook.com/devnextlevel मेरा पेज है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ 24 घंटे में सबका रिप्लाई करूँ। और यहाँ ये मेरा YouTube चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में या मुझे फेसबुक पे, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। तो ठीक है, FLP आपके पास आ गई है, पूरा खोल के देख सकते हैं क्या क्या म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्या क्या चीज़ें करता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, आप इसको सेव करके कुछ और भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।